नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस से मैं संजय बिगड़ा आप लोगों को स्वागत करता हूँ। नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में गांव आंगनबाड़ी के निवासी मदन लाल मीणा को दबंगों ने बुरी तरह से पिटाई की, जिसके चलते उनको जयपुर के SSS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी आज शाम को मृत्यु हो गई। मीणा समाज के प्रदेश प्रमुख सुरेश मीणा, किशोरपुरा राजेश भाइंडा, नयावास एवं समाज के अन्य सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। कैमरामैन विकास त्रिवेदी के साथ रिपोर्टर संजय बड़ा, धन्यवाद। पहला मामला है जिसमें एक 75 साल के बूढ़े बुजुर्ग को उसकी पत्नी से घर से निकालकर बेरहमी से मारपीट करना, मारपीट के बाद में उसके साथ में अपहरण करके और तरह तरह की यातना देना, कपिल अस्पताल में ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने SMS में रेफर किया था और जिंदगी और मौत के से संघर्ष करते हुए आज मदन लाल ने दम तोड़ दिया। हमारी राजस्थान की सरकार से, राजस्थान के DGP से, सीकर के SP से, जिला कलेक्टर से, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से ये मांग है कि कल IG लेवल के ऊपर, DGP लेवल के ऊपर वहाँ पर प्रशासन और सरकार का नुमाइंदा वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए और हम बड़ी संख्या के अंदर नीम का थाना में आंदोलन करने जा रहे हैं और उस आंदोलन के अंदर हम डेथ बॉडी को रख के और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं बिगड़े। हम अंत में हमारी यही मांग है कि परिजन भी यहाँ पर हैं और उनका बुरा हाल है और ये ऐसी ट्रेजडी, ऐसी कैजुअलिटी पहली बार नीम का थाना में हुई है और पूरे राजस्थान के अंदर इसकी घटना हो रही है और पूरे देश में इसका वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे देश के तमाम मीडिया में चल रहा है। सुरेश मीणा